सरकार राजा है नीतीश कुमार, इनकी पार्टी है जनता दल यू जेडीयू, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। जी हाँ, बहुत जल्द उनकी ताजपोशी इस पद पर होने वाली है और जेडीयू के जब वे अध्यक्ष हैं तो उनके बयान को आधिकारिक ही माना जाएगा कि वो पार्टी का आधिकारिक बयान है, कोई बाद में मुकर जाए जैसा नेताओं का शगल है तो बात अलग है। उन्होंने कहा है कि देश का मीडिया बिकाऊ है और मीडिया की बातों पर जनता यकीन न करे, भरोसा न करे। उन्होंने अपने गिरेबा में झांका क्या? इनके जो साहब हैं, जिनको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चच्चा कहते हैं, वे क्या हैं? वे असली खरीदार हैं मीडिया को, खरीदने वाले। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, जब कहा जाने लगा कि गोदी मीडिया। 2005 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आ गए थे और तब से लगातार असली गोदी मीडिया बिहार में है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने शायद बिहार से ही सीखा होगा, क्योंकि बिहार में तब एनडीए की सरकार थी, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित किए गए थे, कैंडिडेट घोषित किए गए थे देश के चुनाव में। तो नीतीश कुमार से ही शायद उन्होंने सीखा होगा, इसलिए कि यदि देश में नहीं भी कहें तो दिल्ली से पहले गारंटी तौर पर यह कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया बिहार में था। मीडिया को खरीदने का कारोबार नीतीश कुमार चलाते थे और नीतीश कुमार ने ऐसा रास्ता अपनाया जिसके सामने बिहार का मीडिया पंगु बनकर बैठ गया था। हम पूरी कहानी आपको बताएंगे और ललन सिंह अपने गिरेबा में झांके कि उनके मुखिया साहब क्या करते हैं, वे मीडिया को कैसे खरीदते हैं, बिहार पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। मैं उपेंद्र कश्यप, और बिहार पॉलिटिक्स जो है वो किस दिशा में जा रहा है, हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, बहाना मीडिया का। ललन सिंह शायद ये भूल गए कि जब यहाँ 2012 में तत्कालीन प्रेस काउंसिल के चीफ चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे कार्ड जो आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने साफ साफ बिहार की तुलना आपातकाल से की थी और कहा था कि बिहार में जो मुख्य समाचार पत्र है वे बिहार सरकार के मुख्य पत्र के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी जिस तरह से भाजपा का पांचजन्य है, वामपंथियों का लोक लहर है, जनशक्ति है, इस तरह से बिहार के अखबार जो हैं बिहार सरकार के मुखपत्र बन गए हैं। घोटालों को, भ्रष्टाचारों को, विपक्ष के नेताओं को जगह नहीं मिलती। 2012 में आए थे जस्टिस मार्कंडे कार्ड जो, और तब बड़ा बवाल हुआ था, आप याद करिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये सब बातें कही थी और तब बिहार में एनडीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी ने नहीं भेज दिया था, तब नरेंद्र मोदी कहीं नहीं थे और विपक्ष में तब तेजस्वी यादव थे, और तब कार्जू ने यह बात भी कही थी कि लालू यादव के जमाने में मीडिया अधिक स्वतंत्र था बनिस्पत नीतीश कुमार के। हालांकि याद रखिए, बराबर लालू यादव तो कभी कभी बोले मीडिया के खिलाफ, तेजस्वी यादव और राजद के नेता गाहे बगाहे बराबर मीडिया पर हमला करते रहे हैं, जबकि मीडिया को बड़ी स्वतंत्रता मिली है लालू यादव के काल में बनिस्पत नीतीश कुमार के कार्यकाल के। नीतीश कुमार ने तो मीडिया को गोदी मीडिया नहीं, अपना बेडरूम मीडिया बना दिया, जहां खबरों को सेंसर किया जाता था। हम एक एक कहानी भी आपको बताएंगे कि कैसे मीडिया को खरीदने का कारोबार नीतीश कुमार चलाते हैं और क्या उनका तरीका है, उसी तरीके को बाद में शायद नरेंद्र मोदी ने अपनाया होगा और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों नहीं हो, या कहीं किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तमाम लोग नीतीश कुमार के इस फार्मूले को ही अपना रहे हैं। तो वो फार्मूला क्या है, इस वीडियो में हम पूरा कलेक्ट खोल के धर देंगे। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाइए घंटी की आकृति, ताकि और नोटिफिकेशन जो उसमें है उसे दबाएं, ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। पीआरडीए सरकार का एक अंग है जिसके बजाते मंत्री बनाए जाते हैं और यहीं से विज्ञापन तमाम अखबारों को जाता है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में जन्म लेने से पहले स्थिति यह थी लालू के राज में कि ब्लॉक का रिपोर्टर, अनुमंडल का रिपोर्टर, जिला का रिपोर्टर तक अपने संबंधित कार्यालयों से विज्ञापन ले लेता था, चाहे वो सैरातों की बंदोबस्ती का विज्ञापन हो, चाहे नगर निकायों का विज्ञापन हो,
पंचायत चुनाव का विज्ञापन हो, विधानसभा चुनाव का विज्ञापन हो, लोकसभा चुनाव का विज्ञापन हो, वहां से स्थानीय पत्रकार इसे लेते थे। बदले में पत्रकारों को सही समय पर यदि भुगतान करा देते थे तो उचित कमीशन मिलता है, ये कारोबार का सिस्टम है। लेकिन जब नीतीश कुमार सभी उन स्थानों से विज्ञापन पर रोक लगा दिया जाए जहां से विज्ञापन जारी होता था, और विज्ञापन को उन्होंने केंद्रीकृत कर दिया, यानी पीआरडीए ही अब विज्ञापन बिहार में जारी करता है, और बड़ी विचित्र स्थिति है, नेता कितना चालाक होता है इसको समझिए। जब मार्कंडेय काटजू ने बयान दिया तो नीतीश कुमार ने सफाई दी थी और कहा था कि उनको पता होना चाहिए, वो गलत नंबर डायल कर गए, बिहार में सालों साल से विज्ञापन की नीति नहीं बदली है। अरे भैया, 2005 में आपने नीति बना ही दिया, 2012-13 में उनसे आपका विवाद होता है और आप कहते हैं कि सालों साल से नीति नहीं बदल गई। लालू प्रसाद यादव वाली नीति आपने क्यों बदल दी? अपने लाभ के लिए। तो नीतीश कुमार ने विज्ञापन जारी करने की नीति केंद्रीकृत कर दी, यानी अगर आप पीआरडीए को खुश करते हैं, नीतीश कुमार को खुश करते हैं, उनके अनुकूल आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको विज्ञापन ज्यादा दिए जाएंगे। और मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं, दिल्ली से प्रकाशित होने वाला एक अखबार है जो बिहार में पटना और लखनऊ से भी प्रकाशित होता है, उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों में वो अखबार प्रकाशित होता है, और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ अखबार खुद को लिखता था कभी, अब नंबर वन लिखता है। इस अखबार में एक खबर छपी थी जब जमशेद अशरफ मद्य निषेध मंत्री हुआ करते थे बिहार में, और उस खबर चार कॉलम की खबर के अंत में लिखा गया था क्रमशः दूसरे दिन से वो खबर गायब हो गई। क्रमशः का मतलब होता है कि अभी और खबरें इस पर आएंगी, इस टॉपिक पर, लेकिन वो खबर रोक दी गई। कारण आप खुद तय कर लीजिए कि नीतीश कुमार भलमनसाह से तो खबर को नहीं रोके होंगे, अखबार ने भलमनसाह से तो अपनी बेइज्जती खुद नहीं कराई होगी कि जिस खबर के अंत में क्रमशः लिखता है वो खबर दूसरे दिन से गायब है। एक दूसरा अखबार जो पहले इसी अखबार का और एक किस्सा बता देते हैं आपको, विज्ञापन कम कर दिए गए, अखबार को घाटा होने लगा करोड़ों का, दिल्ली के संपादक पटना आते हैं नीतीश कुमार से मिलने, और जानते हैं कई घंटों तक संपादक नीतीश कुमार से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे रहे और नीतीश कुमार नहीं मिले। अखबार क्या करेगा? कौन सा अखबार का मालिक अपना घाटा उठाएगा, या किसी भी कारोबार का जो सुप्रीमो है, जो उसका लीडर है, जो उसका मालिक है, वो घाटा सहने के लिए कोई धंधा थोड़ी करता है। तो यहां भी मामला वही था। लास्ट में एक पार्टी के सुप्रीमो के साथ उस अखबार के सुप्रीमो की बातचीत कराई गई और हस्तक्षेप हुआ तो मामला पटाक्षेप हुआ। दूसरा एक और अखबार का हम उदाहरण आपको देते हैं, बिहार, दिल्ली, यूपी और कई प्रदेशों में प्रकाशित है, खुद को दुनिया का नंबर वन अखबार यह बताता है। उसमें भी एक पत्रकार थे जिन्होंने बिहार सरकार के कारनामों को उजागर करना शुरू किया था, उन पत्रकार महोदय को बिहार से जंगल में भेज दिया गया, बिहार से स्थानांतरित कर दिया गया आने वाले चुनाव के समय। और फिर क्या हुआ, वर्ष 2010 में उस अमुक पत्रकार को बिहार से ट्रांसफर कर दिया गया था और जंगलों में खाक छाने के लिए भेज दिया गया था। फिर जब चुनाव हुए तो चुनाव के समय उनकी वापसी हुई बिहार में, और फिर उनको बिहार से बाहर जाना पड़ गया और अंततः शांत हो जाना पड़ा। यह किसकी ताकत थी? ये विज्ञापन की ताकत थी, अखबार खरीदने का ये फार्मूला है। कोई पत्रकार को पॉकेट में 500 और 5 लाख 5 करोड़ रुपए देकर नहीं खरीदता, अखबारों को इस तरीके से खरीद लिया जाता है, यह नीतीश कुमार ने सिखाया है इस देश को। तीसरी घटना हम आपको बताते हैं, बिहार के एक चर्चित कार्टूनिस्ट हैं जिन पर शोध होते हैं, पीएचडी होता है, उनके कार्टून लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। लालू यादव के खिलाफ न जाने कितने कार्टून बनाए, और जब लालू यादव के यहाँ वो जाते थे तो लालू यादव पुत्रवत स्नेह उनको देते थे और मानते थे और कहते थे तुम जो हो ना हमको बर्बाद करके धर दिया। चारा घोटाला से लेकर तमाम घोटालों पर लालू पर एक से एक उस कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया, लेकिन लालू यादव ने कभी उनको पूरे भी नहीं बोला, कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आज स्थिति यह है उस कार्टूनिस्ट की कि सत्ता विरोधी जब कार्टून बनाए जाते हैं तो अखबार में सेंसर हो जाते हैं। अब वे कार्टूनिस्ट फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया पर वैसे कार्टून को जारी करते हैं जो वे बनाते तो हैं, लेकिन अखबार उनको सेंसर कर देता है। तो अखबार कैसे खरीदे जाते हैं अब आप समझ गए होंगे। नीतीश कुमार ने अखबार खरीदने का बहुत बढ़िया तरीका याद किया था, और शायद
काटजू ने इसीलिए कहा था कि मीडिया संस्थानों को प्रभावित करने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे नीतीश कुमार अपनाते हैं। क्या गलत कहा था? आज यही ललन सिंह कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है और इनकी बातों पर भरोसा नहीं करें। भरोसा तो तब भी नहीं करते हैं जब आपके अनुकूल खबरें नहीं होती हैं। जब प्रतिकूल खबरें चल रही होती हैं तो आप उस पर भरोसा नहीं करते, लोगों को कहते हैं कि ये सब झूठ है, और जब वो सच हो जाता है तो मुंह लुका के, चद्दर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, बोरा ओढ़ के मुंह छुपा लेते हैं। ये नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा हो गया है। तो बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें इसका क्या मायने है? क्या बिहार ने नहीं सिखाया देश को कि हम कैसे अखबारों को नियंत्रित करेंगे, कैसे मीडिया संस्थानों को नियंत्रित करेंगे? मीडिया घरानों को नियंत्रित करने का सबसे बेहतर तरीका ही यही है कि पीआरडीए को केंद्रीकृत कर दिया गया विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकृत करते हुए, और बाकी तमाम, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे मंडल कार्यालय हो, चाहे डीएम के कार्यालय हो या कमिश्नरी के कार्यालय हो, उन पर प्रत्यक्ष रूप से रोक लगा दिया गया कि आप विज्ञापन जारी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अखबार क्या करेंगे, मीडिया घराने क्या करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घराना हो या प्रिंट मीडिया का घराना हो, क्या करेगा वो? कोई भी मीडिया संस्थान इसीलिए काम कर रहा है कि उसको लाभ चाहिए। घर से आटा गिल कर और पत्रकारिता करने का जमाना अब चला गया, यह बात समझनी होगी। तो ललन सिंह जहां मीडिया को गलिया रहे, वही नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं। अब दोनों में सच क्या है, दोनों में घालमेल कितना है, दर्शक मुझे लगता है कि बखूबी समझ रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं उपेंद्र कश्यप, अब तक इस वीडियो में आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपसे गुजारिश होगी।